बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं। जो साई सेंट्रल स्कूल है आज पंडुई के क्षेत्र में शिक्षा का एक नया इतिहास रच रहा है। उत्कृष्ट शिक्षा के ऊपर हमारा फोकस है और अगर करुणा सागर सर जैसे लोग अगर इनका मार्गदर्शन अगर हमें मिलता है तो हमारा जरूर विद्यालय भी विकास करेगा और साथ साथ जिले की भी परिकल्पना बदली जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और हम लोग अभी बात करने के लिए मौजूद हैं कि शहर की शिक्षा और गाँव की शिक्षा, ग्रामीण इलाके की शिक्षा में कैसे परिवर्तन हो, कैसे शहर की ओर रुख करने वाले बच्चे गांव में रुकना शुरू कर दें, कैसे गांव के शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के डीजी डॉक्टर करुणा सागर, हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संयोजक अनुभव सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक न्यूज के एसके मिर्जा। हम बारी बारी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि शहर की शिक्षा और गांव की शिक्षा में क्या अंतर है और इसे किस तरीके से सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे शहर की शिक्षा को गांव में उतारा जा सकता है। सबसे पहले मिर्जा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। जिस तरीके से ये ग्रामीण शिक्षा और शहर की शिक्षा पर बात हो रही है, बात यह हो रही है कि गाँव में शहर की शिक्षा को लाया जाए, कैसे आएगा, क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है कि जो शहर में है एक अट्रैक्शन है, शहर में सुविधाएं हैं बहुत, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं हैं। और यही सवाल हम करुणा सागर सर से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे चेंज होगा कि लोग गांव में ही एक अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को उन्हें लगे कि नहीं अब सब कुछ यहाँ हमको मिल सकता है। जैसे लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पटना जाते हैं, यहाँ से दिल्ली जाते हैं और भी शहरों में जाते हैं, तो वो वहीं रह कर करें, इसके लिए कहाँ कमी है, सरकार की ओर से कमी है या आम लोगों की सोच में कमी है या वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें कमी है। देखिए, शिक्षा की जब आप बात करते हैं तो दो पहलू है, एक सरकारी शिक्षा की व्यवस्था और दूसरी जो प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट कॉलेजेस की जो व्यवस्था है। तो हमने ये महसूस किया है कि अगर सुदूर आप ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं और इनके जो संयोजक हैं इन लोगों का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। जैसे हमारे साथ अनुभव जी हैं, इन्होंने खुद बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई की है और उसके बाद ये गांव में आए हैं एक स्कूल बनाने के लिए। और जो साई सेंट्रल स्कूल है आज पंडुई के क्षेत्र में शिक्षा का एक नया इतिहास रच रहा है। तो प्राइवेट जो एफर्ट है वो बहुत अच्छा है और बहुत काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ ज़रूरत जो सरकारी स्कूल हैं उनको भी और बेहतर करने की है, हाईटेक करने की, क्योंकि देखिए आज का युग ऐसा है कि हर बच्चा चाहता है कि उसका कंप्यूटर से कहीं ना कहीं संबंध हो। तो अगर आपको शिक्षा में आप कहीं कंप्यूटर लैबोरेटरी बनाते हैं, बच्चों को कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई जाती है जिसमें कि वो खुद गूगल करके और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, तो ज़रूरी है कि जो सरकारी जो क्षेत्र है उसमें और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए। जो बहुत अच्छे पहल सरकार के रहे हैं, जैसे मिड डे मील अपने आप में बहुत बढ़िया स्कीम रहा है, बच्चियों को यूनिफॉर्म देना, साइकिल देना, इन चीज़ों से बहुत परिवर्तन आया है। और हमने खासकर यह महसूस किया है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों से इंटरेक्ट करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में गए हैं, कि बच्चियों का जो कॉन्फिडेंस है वो शहर के बच्चियों से कम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शहर की बच्चियाँ और गाँव की बच्चियों में जो अनुभव है, जो क्षमता है, वो कम नहीं है। अनुभव जी बताइए, कितना मुश्किल होता है गांव में स्कूल चलाना, कितना चैलेंज है आपके लिए? देखिए, चैलेंज तो साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने चैलेंज को स्वीकार किया है क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र का जब हम विकास करेंगे, जब समाज का हर तबका हमारा विकसित होगा, उनमें शिक्षा का अगर लौ जगेगा, तभी हम एक बेहतर समाज का परिकल्पना कर सकते हैं।
और शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय चलाना कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोगों का स्पष्ट विजन है हमारा विद्यालय का कि लड़कियों की शिक्षा को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक घर की लड़कियां अगर शिक्षित हो जाती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। हमारा काम है बच्चों का बेहतर संस्कार देना। शहर के बच्चे और गांव के बच्चे में हमारे विद्यालय में आपको अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग एकदम ऊपर से लेकर के सुबह से लेकर के शाम तक बच्चों के बीच में लगे रहते हैं कि उनका चरित्र का निर्माण कैसे हो, संस्कार कैसे उनका डेवलपमेंट हो, अनुशासन कैसे हो, ताकि जब भी उन्हें मौका एक अच्छे जगह पर मिले तो अपने आप को परफॉर्म कर सके। स्कूल के अलावा तो कोई और सुविधा नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में भोजी, जैसे बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े शिक्षक, बड़े मतलब अनुभवी शिक्षक हो, मतलब जो जैसे दिल्ली में है, पटना में है, तो अगर वो कैसे आएंगे, कैसे इसको हम लोग डेवलप करेंगे, आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमने तो चैलेंज लिया है गांव में विद्यालय चला करके, और हमारा परिकल्पना है कि आने वाले समय में अगर हम युवाओं की शक्ति अगर मजबूत होगी और करुणा सर जैसे लोगों का अगर मार्गदर्शन अगर हमें मिलेगा तो जरूर एक दिन इस परिकल्पना को सच साबित हम करेंगे। सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप तो चूंकि दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के काफ़ी अभी के समय में वहाँ के बारे में ये मतलब सुनने को भी मिलता है और मैंने देखा भी है कि वहाँ के स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी है, सरकारी स्कूलों की स्थिति, वो यहाँ क्यों नहीं दिखता है? अरविंद केजरीवाल मॉडल। सर देखिए, हमने आपको पहले ही कहा कि दो पहलू हैं, एक जो प्राइवेट सेक्टर का है और दूसरा जो सरकारी क्षेत्र में है, और सरकारी क्षेत्र में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और बहुत कुछ करने का पोटेंशियल भी है। लेकिन आप जैसे वो कोचिंग की बात कर रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग को चलाना इकोनॉमी ऑफ स्केल के लेवल पे थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं किंजर में जज्बा जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है वो भी कोचिंग दे रहा है, और वहाँ से बहुत सारे संख्या में लोग आर्मी में, पुलिस में रिक्रूट हो रहे हैं, तो असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है वो बेसिक पढ़ाई के बाद की बात होती है, तो उसके लिए ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी चाहिए, और वो आपको एक क्लस्टर में मिल जाता है, जैसे जहानाबाद है, और जहानाबाद बहुत समय से एक इस इलाके में, मगध के इलाके में, एक एजुकेशनल हब की तरह उभर कर आया है, और आपने देखा है कि पहले भी सैनिक स्कूल के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में जहानाबाद के बच्चे वहां जाते थे यहां से कोचिंग करके। सर, आप लगातार स्कूल का दौरा करते हैं, छात्र छात्राओं से मिलते हैं, शहर में जाते हैं तो क्या देखते हैं और गांव में जाते हैं तो क्या देखते हैं, क्या अंतर महसूस होता है? देखिए, आज हम मानस इंटरनेशनल स्कूल में गए थे जो बिल्कुल एक शहर का स्कूल है, और कल गए थे हम साई सेंट्रल स्कूल में जो बिल्कुल रूरल एरिया में है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे बच्चों के स्तर पर बहुत ही कम फर्क पड़ा, शायद मानस के बच्चे थोड़े कुछ परसेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे या लैंग्वेज पे उनकी कमांड कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन गांव के बच्चों में भी बहुत परिवर्तन आ रहा है, और ये बच्चे आज अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि वो शहर के बच्चों से कम नहीं है। परिवर्तन लाएं उसमें, या किस तरह से उसको जो है डेवलप करें ताकि बच्चे जो है और भी तरक्की के रास्ते पर अग्रसर। देखिए, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अबुल कलाम, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पूरा का, कि जो बेसिक एमिनिटी जो शहरों में है वही चीज़ अगर गाँव में दी जाए तो गाँव से जो शहर में पलायन होता है वो नहीं होगा। तो पलायन चाहे शिक्षा के लिए हो या नौकरी के लिए हो, पलायन पलायन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि गांव में भी जो स्कूल चल रहे हैं वहाँ पर आपको फीस थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीणों का की जो आर्थिक स्थिति होती है उनके पास कैश फ्लो थोड़ा कम होता है शहर के लोगों के, शहर के लोगों को फिक्स्ड मंथली इनकम होता है, सैलरी होता है, और गाँव के लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा कृषक परिवार हैं उनको थोड़ी मुश्किल होती है कैश देने में। तो लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आप देखें तो शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जमीन का, बिल्डिंग का ज़्यादा महंगा है, तो उस हिसाब से गांव में वहां आप सेविंग करके
आप बिना अपने फीस को बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए ऐसे रेंज में रखिए कि जो आम ग्रामीण उसको दे सकता है और अपने बच्चों को आपके पास भेज सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो चलाते हैं वो आर्थिक समस्या होता है आपके सामने? हाँ जरूर, आर्थिक रूप से समस्या साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल को देखने को मिलता है, क्योंकि अभिभावकों में पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनकम सबका अब बहुत ही बढ़िया हो चुका है और बच्चों के लिए वो पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी जागृति की कमी है। और सर ने बहुत ही सही चीज़ बताया कि उनके पास कैश फ्लो नहीं हो पाता है, और ये शहर और गांव में यही अंतर है। और हमने इस चीज़ को थोड़ा परिवर्तित किया है, और परिवर्तन के कारण ही आज हमने पलायन भी रोका है। सर ने कहा कि नौकरी के लिए भी पलायन होता है और शिक्षा के लिए भी पलायन होता है, लेकिन हमने जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा विद्यालय है हेडक्वार्टर से, लेकिन हमने पलायन को रोका है और उत्कृष्ट शिक्षा के ऊपर हमारा फोकस है। और अगर करुणा सागर सर जैसे लोग अगर इनका मार्गदर्शन अगर हमें मिलता है तो हमारा जरूर विद्यालय भी विकास करेगा और साथ साथ जिले की भी परिकल्पना बदली जा सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल, बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगी, इस पर क्या आपका जो है आगे तैयारी है? देखिए, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल से लेकर के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से लेकर के हर एक एक चीज़ पर बहुत ही गहनता के साथ विचार विमर्श भी करता है और बच्चों को आगे लाता है। सर का 15 तारीख को हमारे यहाँ प्रोग्राम था, तो सर ने जरूर देखा होगा कि वहाँ की लड़कियों में क्या कॉन्फिडेंस था, वहाँ के बच्चों में क्या कॉन्फिडेंस था। वो शहर के बच्चे से तनिक भी आपको कम मेरे विद्यालय के बच्चे नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारे शिक्षक से लेकर के पूरा विद्यालय परिवार दृढ़ निश्चय की भावना से उसमें लगा है कि हम इन बच्चों को एक न एक दिन अच्छे जगह पर पहुँचाएँ, ताकि राज्य का भी नाम हो, गाँव का भी नाम हो, और हम जैसे मीडिया भाइयों का जो सहयोग मिल रहा है उनके भी करेज को दिखाया जा सके। आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से करूंगा सर, कि अभी जो शिक्षा लोग ग्रहण करते हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये देखने को मिलता है वो सिर्फ उनकी सोच यही रहती है कि शिक्षा ग्रहण करना है और नौकरी करना है। शिक्षा ग्रहण करना सिर्फ उसका मकसद सिर्फ नौकरी होना चाहिए या नौकरी ही है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमने जिस स्कूल को विज़िट किया है उसमें हमने इस बात को कहा है कि आप सिर्फ डिग्री मिले और नौकरी मिले इसके लिए पढ़ाई मत कीजिए। पढ़ाई शिक्षा एक पहली बात एक बेहतर इंसान बनने के लिए कीजिए, और दूसरी बात एक सक्सेसफुल इंसान बनने की कोशिश कीजिए। आप कोई सा भी फील्ड चुन लीजिए जो आपके दिल को करीब है, जिसमें आपको बेसिकली अपना सेल्फ स्ट्रेंथ लगता है, उसमें काम कीजिए। तो शिक्षा कभी भी नौकरी देने का माध्यम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नौकरी पाना और स्वरोजगार लेके लोगों को नौकरी देना, दोनों में अंतर है। अगर इस देश को एक सुपर पावर बनना है, विकास करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि बड़े लार्ज स्केल पे एमएसएमई का डेवलपमेंट हो, बिजनेस का डेवलपमेंट हो, और जो बच्चे आज आईटीआई पॉलिटेक्निक या इवन बीटेक कर रहे हैं उनकी ये कोशिश हो कि हम पढ़ाई के बाद कुछ ऐसा अपना करें जहाँ कि हमें नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने का मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नौकरी के लिए पढ़ाई न करें, बल्कि आप पढ़ाई ऐसा करें जिससे नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने का अपॉर्चुनिटी आपके पास हो। इसी पर बात हो रही थी गांव की शिक्षा और शहर की शिक्षा पर। हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली के डीजी करुणा सागर सर, हमारे साथ मौजूद थे साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के संयोजक अनुभव सर, और हमारे साथ मौजूद थे पब्लिक न्यूज के मेस के मिर्जा साहब। हम तमाम लोगों से इजाज़त चाहेंगे और अगली मुलाकात फिर कराएंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ किसी अन्य मुद्दे पर। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।